आज हम चित्ते हिंदी बुक से कक्षा 9वीं की पार्ट 10 पढ़ेंगे। वाक वाक में अब है लेखक परिचय के। वाक रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह मेरे। इस पंक्तियों के बारे में बताया लेखक ने। अब इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपने जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुने और उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांटे से करते हुए शरीर की तुलना को बताया है कि नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। प्रभु मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं और उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ रही है। असफलता प्राप्त होने पर गिलानी हो रही है और प्रभु शरण में जाने की चाहत उनको घेरे हुए है। अब है दूसरा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बन द्वार की। यहाँ कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ नहीं हासिल होता। वह प्रतिदिन स्वार्थी बनते जाएगा और जिस दिन स्वार्थ का त्याग होगा उस दिन वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश होता है। और कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा कि व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना नहीं चाहिए, ना ही त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए जिससे संभाव उत्पन्न हो। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और अपने पराय से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए होगा। फिर है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इस पंक्ति में बताया है कवित्री ने कि अपने पश्चाताप को उजागर किया उन्होंने और बताया कि परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपना कर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर दिया और अपने बीच एक सेतु बनाना चाहती थी वे, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। गलती का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी, उसकी जीवन की संध्या नजदीक आ गई और फिर उन्होंने जिंदगी का लेखा जोखा पाया जो कि वह दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई, कोई पुण्य कर्म नहीं किए, पास कुछ हासिल होने का भी समय भी नहीं था। परमात्मा से मिलान हेतु भक्ति भव सागर के पार ही जाना होगा, पर पार करने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उनके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुँह दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जिंदगी बीतती जा रही है, अपने अपनी जिंदगी में कोई ना पुण्य कर्म कमाए और ना कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण होने पर पछता रही है। आगे है, थल थल में बसता है शिवली, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। व्याख्या है, एक पंक्तियों में कवित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय में मौजूद है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी हो तो स्वयं के अंदर झांक कर अपने को आपको जानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। अब है, कवि की परिचय के बारे में बताया है कि कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत हैं लल धद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इनका देहांत 1931 में हुआ। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कठिन शब्दों के अर्थ, वाक चार पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की गाए जाने वाली रचना है। कच्चे शकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर होने वाले। रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नाशवान सहारे। सम यानी अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी यानी समानता की भावना। सुसुम्न यानी सुसुम्न नाड़ी होती फूल। जेब टटोली यानी आत्मलोचन की करना।
कौड़ी ना पाई यानी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, माजी यानी नाभे, कुतराई यानी सत्कर्म रूपी मेहनताना, थल थल यानी सर्वत, शिव यानी ईश्वर, साहिब यानी स्वामी। प्रश्नों के अभ्यास के में बताया है कि प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे लिखना। प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए उपयुक्त हुई, वह कैसी है? रस्सी यहाँ मानव के लिए उपयुक्त हुई है और रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, कब टूट जाए पता नहीं। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो गए हैं और पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं और कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह उन्होंने जिसमें रखा जल टपकता रहा और यही दर्द उनके हृदय में दुख का संचार करता रहा और प्रभु मिल उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की तात्पर्य से है प्रभु से मिलना, भव सागर पार करना, परमात्मा की शरण में जाना। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। तो बताया है कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर सांसारिक में उछल उलझने सच्चा है कि जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल ना होगा। अब उसे चिंता सता रही है भव सागर पार करने की। ईश्वर को उतराई के रूप में वो क्या देंगी, इसके बारे में बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने बताया कि ईश्वर को प्राप्ति के लिए माध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। मनुष्य को भोग विलास में ना पढ़कर प्राप्त होने वाला कुछ भी नहीं। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग कर देता है तभी मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अंत भोग त्याग सुख के कारण मार्ग अपनाने की बात कह रही है यहाँ पर इस पद में। कहते हैं बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दय ने क्या उपाय किया? कवित्री के अनुसार बताया है कि अंतःकरण में खोजना चाहिए ईश्वर को और जिस दिन हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो जाए तो अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं समाप्त हो जाएंगे और सारी जंजीरें साकल खुल जाएंगी। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अंतःकरण इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का हृदय में प्रभु का जाप करते रहो, सुख दुख को समान भाव से भोगो, यही कवित्री ने सुझाव दिए हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? आई सीधी रह से गई न सीधी रा, सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, यह पद में बताया है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है, यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा और परमात्मा से संबंध जान सके, ना कि उस ज्ञान से जिससे हमें शिक्षा अर्जित होती है। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है और धर्मों में विभाजित कर मंदिर मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, जो कि अपने अंतःकरण में बस ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए और ढूंढ लेने पर वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। आपको ये सब पूरी आपकी कॉपी में प्रश्नार्थ भावार्थ सहित करने हैं।